नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि नगर निगम का चुनाव 27 को उसका वोट इलेक्शन है, तो उसको लेकर अभी तक कई पार्टियों ने अभी नामांकन किया था, तो 16 तारीख का जो आखिरी डेट था उसके बाद अभी भी जारी है कि क्या चल रहा है। अब देखते हैं कि जो जिन्होंने नामांकन कर लिया है मेयर पद और पार्षद पद को लेकर, अब उनके द्वारा क्या मैदान में वो उतर चुके हैं, अब देखते हैं कि उनके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन तक पहुँच सके और लोगों का समर्थन उनको कैसे मिल रहा है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे आज। तो आज हमारे सामने मेयर पद आजाद पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं पदम गर्ग जी, आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। तो मैं आपका स्वागत करती हूं अर्थ प्रकाश टीवी पे। तो पदम गर्ग जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने उम्मीदवार पद के लिए, मेयर पद के लिए आपने नामांकन कर दिया है, उसके बाद आपकी अब क्या तैयारियाँ चल रही हैं? ये आज मेरा चुनावी कार्यालय हेड ऑफिस यहाँ सेक्टर 11 SCO नंबर 27 में आज हवन हो रहा है। उसके बाद MDC में एक दफ्तर हम बनाएंगे भैंसा टिब्बा में, एक 8 नंबर सोसाइटी में हमारा वहाँ पे दफ्तर बनेगा, एक 21 सेक्टर में बनेगा, एक बिल्ला में मानकरा में बनेगा हमारा दफ्तर। तो आज पूजा के साथ आपकी कैंपेन की जो दौर है वो आज से शुरू हो जाएगी 10 दिन तक के लिए, इलेक्शन तक के लिए, तो उसको लेके क्या क्या कार्य किया जा रहा है? आज 3 बजे हम अपना सिंबल लेने जाएंगे, उसके बाद डीसी ऑफिस में, उसके बाद हम लस्कर के साथ जाएंगे, फिर हमारी कैंपेनिंग आज से शुरू हो जाएगी। तो मैं जानना चाहूँगी पदम जी कि जो कैंपेनिंग आप लोग करेंगे तो उसके द्वारा आप लोग कहाँ कहाँ पहुँचने का, आप लोगों ने कुछ बनाया होगा ना शेड्यूल, उसको लेकर कहाँ कहाँ पहुँचने की तैयारी है? टाइम थोड़ा होने की वजह से हम कहीं नहीं जा रहे, लोग ही हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैंपेन के दौरान लोगों तक अपना कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या बातें करने का सोचा? मैसेज बहुत कुछ है मन में, लेकिन एक दो बातें मैंने पहले भी कही थी, जो ये गरीब आशियाना फ्लैट बनाए हैं लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, ये सब लीक हो रहे हैं, वहाँ पर सीलन इतनी है, वे बीमार हो रहे हैं, इनको ज़मीन अलाट की जानी चाहिए, ना कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनको दी जानी चाहिए। ठीक है, मैं अभी चाहूंगी कि अगर आप मेयर पद के चुनाव को जीत जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके कुछ मुद्दे होंगे जिस पर आप पक्का निश्चय है कि उस पर कार्य करना है, वो कार्य कौन कौन से? ये तो अभी 12 साल से कोई नुमाइंदा नहीं था शहर में, जो पहले मेयर के पद था वो दूसरी पार्टी से था, सरकार BJP की था, MLA उनकी आपस में खाने पीने के चक्कर में लोगों का काम नहीं हुए, पहले तो भ्रष्टाचार 12 साल वाला जो भी भ्रष्ट अफसर हैं उनको मिटाने हैं या उनके तबादले करवाने हैं और इन भ्रष्ट नेताओं को यहाँ से भगाना है। देखिए, आज ये जननायक जनता पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग थी और जिसमें चारों जो प्रत्याशी हमारे वार्ड नंबर 6, 9, 14, 18 वो भी आए हुए थे, और आज हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह जी, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे जननायक जनता पार्टी के, और सरदार निशान सिंह जी और बाकी सभी सीनियर जो हमारे नेता हैं वो आए थे, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के से जो मेयर हैं के कैंडिडेट हैं मेयर के, कुलभूषण गोयल जी जो सांसद उम्मीदवार हैं दोनों पार्टियों के, वो भी आए थे, और रतनलाल कटारिया जी जो भारतीय सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और MP हैं यहाँ से, वो भी आए थे, और सारे कार्यकर्ता यहाँ जो पंचकूला के हैं हमारे जननायक जनता पार्टी के, तो सभी ने उनको दिशा निर्देश देने के लिए, कुछ टिप्स देने के लिए इलेक्शन की अजय जी आज यहाँ पर आए थे। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? उन्होंने स्पष्ट कहा भी जब तक हम सब एक एक इकट्ठा को चुनाव लड़ें और एक हर वोटर तक जाएं, और अब चाहे कोई विपक्ष में भी है, मान लो लगता है कि वोट नहीं देगा ये, फिर भी उसका घर जाएं, उसके रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वोट मांगने की होती है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वोट की जो परसेंटेज पोलिंग की वो काफ़ी कम रहती है, तो वो हर हालत में सभी को प्रेरित करें कि सारे जाके वोट डालें, और जो हमारे खासतौर पर जो कॉलोनियाँ के हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, वो जो सेक्टर्स के वोटर हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं, हमेशा 80-90% तक पोलिंग होते हैं, तो जो सेक्टर्स के अंदर रहते हैं उनसे भी अनुरोध है हमारा कि वो वोट जरूर डालें सारे। और हमारी जब मेयर के कैंडिडेट हैं जिस तरह कुलभूषण गोयल जी हैं, तो जो भी वो डिक्लेयर हुए थे, तो मतलब एक समय की एक तरफा ही मामला लगभग लग रहा है सारा, लेकिन फिर भी जितने हमारे कैंडिडेट हैं वार्ड मेंबर के, पार्षद के और मेयर के जो कैंडिडेट, उन सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हम दिन रात एक कर देंगे। ये आप देख रहे हो सारे राजीव कॉलोनी के जो हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ से कविता जी, और लगातार इनकी पूरी टीम है सारी, ये और ज़बरदस्त मेहनत कर रही है, और ये करमबीर बेदी जी हैं
और इनके हस्बैंड हैं जसी जी, तो ये पूरा इनका जो ये हमारे कैंडिडेट थे पहले, दोनों ने मिल के कर दिया, और इसके अलावा दो तीन कैंडिडेट इनके पक्ष में और बैठे हैं, तो बड़ा एक तरफा माहौल होता जा रहा है। तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से, क्योंकि दूसरी पार्टीज भी खड़ी है, तो आपकी पार्टीज को कैसे मिल रहा है? लोगों को एक बात समझ में आ रही है, किस लिए हम इनको बनाते हैं पार्षदों को या मेयर को, ताकि शहर में विकास हो, लोगों के काम ठीक हों और सहूलियत लोगों को मिले। लोगों ने जो पीछे जो मेयर थी उनको देख रखा है कि वो काम में रोड़ा अटकाते हैं, विकास में कम ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो पीछे विकास हुआ है, या तो सरकार ने कराया या जो ऑफिसर्स थे यहाँ समय समय पर उन्होंने काम करवाया है। जो मेयर रही है 5 साल तक, उसका सिर्फ और सिर्फ काम था चिट्ठियाँ लिखना, काम में रोड़ा अटकाना, और कहीं कोई विकास की जो फाइलें भेजते थे उसमें हर नितोचनी करना, वो हम ही थे जो सारे ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ प्रस्ताव पास करवा करवा के बड़ी मुश्किल से हाउस में और सारे काम करवाए हैं, और सरकार ने बहुत ग्रांट दिया इसलिए काम हुए हैं। अच्छा सर, ये किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, आपके वार्ड से भी कई किसान पहुँचे होंगे, आंदोलन कर रहे होगे, उनके लिए अभी इस टाइम ऐसा कि हमारी जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ है। दुष्यंत चौटाला जी ने सीधा कह दिया कि अगर उनके हितों पर कोई आंच आई तो उसी टाइम तत्काल पद त्याग देंगे, और डॉक्टर अजय सिंह जी ने क्लियर कहा है किसानों के हम साथ हैं, उनके हर दुख सुख हमारे सांझे हैं, और हम खुद भी किसान हैं, उनका पता है हमें किस ढंग से है, और सरकार से बार बार अपील भी की गई है भी जल्दी मामला निपटाए सुलझाए और जो मांग इनकी है उनको पूरी करे। नमस्कार जी सभी साथियों का, आपके दर्शकों का, वह वार्ड नंबर 18 वह पंचकुला की जनता का मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज हमारे बीच जाट भवन सेक्टर 6 में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय चौटाला जी, सांसद लोकसभा रतनलाल कटारिया जी व सरदार निशान सिंह जी, सभी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी पहुंचे थे, और अजय सिंह चौटाला जी ने आज कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। वह सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने वार्डों में भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी के जो सांझे उम्मीदवार हैं मेयर के कुलभूषण गोयल जी, उनको फूल पे बटन दबाकर जिताने का काम करना है, और जो जननायक जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं वह 16 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको भी जिताने का काम करना है। इसीलिए सभी यहाँ आज इकट्ठे हुए थे, और मेरा भी सभी से अनुरोध है कि सभी साथी समझदार हैं, पंचकुला की जनता पढ़ी लिखी जनता समझदार जनता है, सभी को पता है कि सरकार के अभी 4 साल पड़े हैं, और 4 साल हैं तो विकास तभी संभव हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी के पार्षद व मेयर चुनकर जाएंगे। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं पंचकुला की जनता को और वार्ड नंबर 18 की जनता को कि सभी साथी व पंचकुला की जनता मिलकर विकास को तेज गति दें, और भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी को मिलकर जिताने का काम करें। सभी का धन्यवाद। तो आप प्रचार करने जा रहे हैं वार्ड में, तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को? वार्ड 18 में जी एक तरफा समर्थन है, अब सभी साथी ग्राउंड पे आके रिपोर्ट देख सकते हैं। हम जनता के बीच शुरू से रहे हैं, हमारा राजनीतिक परिवार रहा है, 2 बार मेरे दादाजी पंच रहे हैं, सरपंच रहे हैं, फिर मेरे पिताजी आजाद पार्षद जीत कर आए हैं, उसके बाद अब मैं भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी का साझा उम्मीदवार हूँ, और लोगों में एक तरफा समर्थन मिल रहा है, कॉलोनियों में हमें एक तरफा समर्थन है, और सेक्टर 26, 23 और 28 से एक तरफा जीत अपनी सीट जो जीत कर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। सर यहाँ पे पहुँचने के अलावा आप लोगों तक किस तरीके से पहुँच रहे हैं? लोगों में हम शाम को जनसभाएं करते हैं, और दिन में 2 घंटे व शाम में 2 घंटे डोर टू डोर प्रचार चल रहा है, और सभी माध्यमों से लोगों से मिला जा रहा है, कई लोगों से पर्सनली भी मिला जा रहा है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, हम ज़्यादा बड़ी जनसभाएं ना करके छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं वह डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं, और एक एक घर तक एक एक वोटर तक पहुंचकर हम वोट की अपील करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि विकास तभी संभव है जब आप भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी को जिताने का काम करें। तो जैसा लोगों से आपको समर्थन मिल रहा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से? लोगों का बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है जी, दिल से मैं तो धन्यवाद करता हूँ सभी पंचकुला की जनता का व वार्ड नंबर 18 की जनता का, क्योंकि इतना मान सम्मान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जितना मान सम्मान लोग दे रहे हैं। कॉलोनियों में जब जाते हैं तो नारों से पूरी कॉलोनी है वैसे पूरा वार्ड गूंज उठता है, मैं तो
बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि नामांकन पत्र भरे जाने के बाद अभी सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार को लेकर मैदान में खड़े हो चुके हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन हासिल करता है कुर्सी और कौन बनता है कुर्सी का हकदार। तब तक के लिए आप बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर, मैं शशि चौरसिया कैमरामैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।